मनोज तिवारी ने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ली है नरेंद्र मोदी से, रोने की ट्रेनिंग ली है नरेंद्र मोदी से। वो पक्का पक्के गुरु का पक्का चेला है वो। नहीं कमर की पावर है, अमित शाह भी आया, मोदी भी आया, कल देखो ये पावर है। एक बार 5 लाख वोट जीतेंगे। मनोज तिवारी भी तो कहते हैं मैंने गरीबी देखी है। क्या कहते हैं मैंने गरीबी देखी है? उसने गरीबी फिल्मों में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी। नहीं, अगर मोदी जी ने क्लास, कौन सा क्लास जो भी कह रहे हैं, किया होता तो वो हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र और वो जाने क्या क्या दुनिया भर की वो अंत संत जो है ना वक्ते रहते हैं वो नहीं होकर। मैं कहता हूँ केजरीवाल के 5 काम गिना दो, 5 काम गिना दो जो जो देश की राजधानी दिल्ली के लिए किया हो। महिलाओं का गिनाओ, हम गिनाओ, हम गिनाओ, गिनाओ, स्कूल, शिक्षा, मंत्री, सड़क, सड़क, हवाई अड्डे, सड़क, स्कूल, मोदी के गिनाओ, मोदी के, मोदी के, मोदी के गिनाओ, मोदी के, मोदी के, मोदी के, हाँ, कार्यकर्ता भी 5 नहीं 10 काम गिना देगा। और इनके लोग, इनके लोग 2 काम नहीं गिना पाएंगे जो दिल्ली की जनता के लिए किया होगा। सुनो, हमारे दिल्ली में जितने भी नेशनल हाईवे का जो भी बाहर बाहर रिंग रोड बन रहे हैं, खजूरी का जो ये सहारनपुर हाईवे बन रहा है, ये सारे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। बता दो कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है, क्या हाईवे जो है व्यापारियों के लिए होते। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो है ना बड़े बड़े जो 22-25 व्यापारी है, ये उनके जो ट्रक हैं, उनके ट्रकों को सुविधा देने के लिए बनाया है। दिल्ली की जनता को जरूरत है, दिल्ली की जनता को जरूरत है बिजली, पानी, सड़क, स्कूल। मुख्यमंत्री आवास में एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली के भजनपुरा की महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? उग्रवादियों ने तांडव किया था, उग्रवाद मणिपुर में कुकी उग्रवादियों ने, जो चाइनीज, मोदी जी क्यों नहीं, जो चाइनीज उग्रवादी से क्यों नहीं किया था मणिपुर में? रेवन्ना को 3,000 बलात्कार करने वाला, उस रेवन्ना को चुपचाप विदेश भगा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी उसके लिए वोट मांगते हैं। उससे पूछिए मणिपुर में हमारे कारगिल के फौजी की बीवी को नंगा करके घुमाया गया, ये कहाँ का न्याय है? नरेंद्र मोदी से मैं पूछ रहा हूँ, इस दिल्ली की 2 करोड़ जनता पूछ रही है, बताए, बताओ मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप मणिपुर कोई जाने वाला होता है, ऐसे लोगों से बात करो, मैं आसाम, गुवाहाटी, बिहार सब जगह घूमता हूँ। हमारे बच्चे परेशानियाँ होती थी स्कूल में, उन्हें हमें चेयर नहीं मिलती थी, टाट पट्टियों पे बैठा करते थे, आज उन्हें क्लास मिल गया, पानी मिल गया, अच्छी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मिला है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, ये कह दिया करते थे कि प्राइवेट लिख दी और प्राइवेट जाके लेकर आओ, हॉस्पिटल में है ना दवाई, अब दवाइयाँ मिलती है, हम दवाओं में दवाइयाँ फ्री में मिलती है, लाइट का बिल 0% आ रहा है, बसों में सुविधा मिली है, फ्री जाती है, अगर पैसा भी नहीं है तो वो फ्री में जा सकती है, कहीं भी हॉस्पिटल में जाती है तो फ्री में चली जाती है। फ्री हाँ मिली महिलाओं को, फ्री बस सेवा मिली की 50% आबादी जो मेरी माताएं बहने हैं। केजरीवाल जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि दिल्ली की मेरी माताओं बहनों पूरी दिल्ली में जहां घूमना चाहे घूमे, उनके बस का कोई किराया नहीं लगेगा। और यही नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन पहले आज तक के कार्यक्रम में कह रहे थे कि दिल्ली की माताओं बहनों का जो बस का किराया है जो फ्री कर रखा है ये नहीं होना चाहिए। मनोज तिवारी भी करने के लिए कहा, मनोज तिवारी भी तो कहते हैं मैंने गरीबी देखी है। क्या कहते हैं मैंने गरीबी देखी है? उसने गरीबी फिल्मों में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी, वीडियो नहीं देखा उनका, वो एक्टिंग में बोला है, वीडियो नहीं देखा किसी ने दे, अरे रोते वो तो वो उनके वो बताऊं, मनोज तिवारी ने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ली है नरेंद्र मोदी से, रोने की ट्रेनिंग ली है नरेंद्र मोदी से। वो पक्के गुरु का पक्का चेला है वो। मोदी जी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त देते हैं, 5 लाख तक का, लेकिन दिल्ली में तुम्हारा कितने लाख रुपए लग जाए, तुम्हारा इलाज फ्री होता है दिल्ली में? दिल्ली में कितने लाख लग जाए तुम्हारे? 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, फ्री में इलाज होता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए विपक्ष में हावी रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं के पक्ष में रही नहीं। हर जगह देखो महिलाओं का शोषण हो रहा है, हर शहर में।
तो क्या है फिर वो जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी, वो सिर्फ बातें हैं। यहाँ ये है बेटी बचाओ और बेटी मरवाओ। बड़ा हुआ हूँ और मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि मैं तीसरी बार यहाँ से जीतूंगा। गरीब तुकड़े से अगर वो बड़े हुए होते ना तो गरीबों की तकलीफ समझते वो, तक गरीबों की तकलीफ, पर वो गरीबों की तकलीफ नहीं समझते, नहीं समझते। अगर वो समझते तो गरीबों की ये कंडीशन नहीं होती कि आज भूखा कटोरा लोगों के हाथ में है, भीख मांग रहे हैं मजदूर, खाना भी नहीं मिल रहा खाने को। मनोज तिवारी मोदी जी रोज आते हैं जब अपने गुर्बत के दिन और गरीबी के दिन याद करते हैं। बस वो सिर्फ जुमले करते हैं और कुछ नहीं करते। एक सौ एक परसेंट कन्हैया कुमार है पूर्वी क्षेत्र में हमारे लोग, एक सौ एक परसेंट कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार सिर्फ आए हुए 24 दिन नहीं हुए अभी तो उनकी हमने ये देखा 10 साल में, मनोज तिवारी को हमने देखा 10 साल में, अपनी लोकसभा में मोदी को नहीं देखा 10 साल में, हमने अमित शाह को नहीं देखा, लेकिन 24 दिन के अंदर कन्हैया कुमार की पावर है। अमित शाह भी आया, मोदी भी आया, कल देखो ये पावर है जी। स्वागत कर रही है जनता कन्हैया कुमार का? स्वागत नहीं कर रही है, वो आपने देखा हुआ अब से कुछ साल पहले कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के थप्पड़ मारा गया था, वो 70 में 70 लेके आए, कन्हैया कुमार का थप्पड़ मारा गया है। अब कन्हैया कुमार 5 लाख वोट जीतेंगे बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल के पढ़ाओ वो जीत गए, या बेईमानी कराओ, या बेईमानी करो, बेईमानी करो, वोट चोरी करो, पैसा भरो, शराब बांटो, या फिर ईमानदारी से काम करो। केजरीवाल ने शराब नहीं बांटी, केजरीवाल ने वो ठेकों को एक ठेकों को उठा के दूसरी जगह कर दिया, जहाँ पर एक जगह 5 ठेके थे उसे डिवाइड कर दिया है। अच्छा जी, कन्हैया कुमार आप कह रहे हैं कि बड़ी जीत, 101% कन्हैया जीत रहे हैं बिल्कुल। मनोज तिवारी जी आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया में दिख रहे हैं आश्वस्त। मनोज तिवारी जी ने अभी तक 10 साल में हमने देखा नहीं उन्हें आज तक, हमें पूरी दिल्ली में अभी हमने पार जाओ वहाँ VIP सड़कें, VIP बिल्डिंग, VIP नाले, सीवर। मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया था जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, शीला दीक्षित को हराया, इस बार कन्हैया कुमार है, ये PhD डॉक्टर है, ये कन्हैया कुमार हराएगा 5 लाख वोटर से। और आप देख लेना, आप ये की मीडिया पे देख लेना, आप कन्हैया कुमार का जश्न 4 जून को हम मनाएंगे इसी पूर्व क्षेत्र में। हो गया चुनाव बिल्कुल हो गया, ये कन्हैया कुमार की आने की पावर है। इंडिया गठबंधन है, इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर 7 सीट जीतेगा। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये इल्जाम तो नारिन था, इल्जाम था ये कन्हैया कुमार पे। बीजेपी टुकड़े टुकड़े कहेंगे एक्टिव हो गया बीजेपी, कुछ भी कहे इल्जाम है, जो बीजेपी कहेंगे वो हकीकत रह गया। बीजेपी कहती है कि हम 4 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे, बदल देंगे, मुद्दे विकास बिल्कुल विकास। कहाँ आए आप खुद आके देखिए, मोदी जी विकास इतना हुआ कि मोदी जी खुद नहीं आते यहाँ पर, यहाँ नाली बहरेंगे, सड़कें बहरेंगे, या रोड रोड में आज तक 10 साल में 1 रुपये काम नहीं हुआ, और कहते हैं कि 2800 करोड़ का काम हुआ है यहाँ पर।